हरियाणा वासी भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हरियाणा के 54वें स्थापना दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर मैं आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। यह अत्यंत सुखद संयोग है कि आज के इस ऐतिहासिक दिवस से मात्र 4 दिन पूर्व दीपावली के पावन पर्व के शुभ अवसर पर आप द्वारा नव निर्वाचित सरकार ने आगामी 5 वर्ष तक जनसेवा का नया कार्यकाल शुरू किया है। प्रदेश में 14वीं विधानसभा के लिए शांति और सौहार्द के वातावरण में चुनाव संपन्न हुए हैं। यह आपकी लोकतांत्रिक सूझबूझ, सामाजिक समरसता, आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे का परिणाम है और प्रमाण भी है। इसके लिए मैं प्रदेश के सभी मतदाताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। प्यारे प्रदेशवासियों, जब हम अपने पिछले 53 वर्ष के अतीत में झांक कर देखते हैं तो हमारे इस छोटे से प्रदेश की बड़ी बड़ी उपलब्धियों पर हमें गर्व होता है। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा एक पृथक प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया तो अधिकांश बुद्धिजीवियों का मत था कि इतना छोटा राज्य शायद ही कभी सफल हो पाएगा। जो कर्मचारी संयुक्त पंजाब से इधर ट्रांसफर हुए उन्हें डर लगता था कि कहीं नए प्रदेश में उन्हें वेतन के लाले न पड़ जाए, परंतु प्रदेश की जनता अपने उज्जवल भविष्य के प्रति आशावान थी। इसलिए हर आम और खास अपने रोजमर्रा के जीवन में और अधिक मेहनत करने लगा। उस समय मेरी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। मुझे याद है कि हमारे गांव बनियानी में बिजली नहीं थी। स्कूल से छुट्टी होने पर रोटियों से भरे कटोरदान को खेत में काम करते श्रमिकों तक ले जाने के लिए मैं कच्चे रास्तों पर भागते भागते जाता और शाम को मिट्टी के तेल से जलने वाली लालटेन की रोशनी में पढ़ाई किया करता। उस काल के कठिन जीवन के विपरीत आज हरियाणा कहीं अधिक संपन्न और खुशहाल है। आज हरियाणा की उपलब्धियों की चर्चा पूरे देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी होती है। आज के इस पावन अवसर पर स्वतंत्र भारत के एक पृथक राज्य के रूप में हरियाणा के गठन के लिए संघर्ष करने वालों तथा आधुनिक हरियाणा के निर्माण के लिए कठिन परिश्रम करने वालों के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। धरती का सीना चीरकर हर भारतवासी के भरपेट भोजन के लिए अन्न उगाने में जुटे किसान, मेहनतकश मजदूर, उद्यमशील उद्योगपति, कर्मठ व्यापारी, शानदार खिलाड़ी, सभी के प्रयासों से हमारा आज का प्यारा और न्यारा हरियाणा बना है। इस विकास यात्रा में राजनीतिक क्षेत्र के अनेक महानुभावों, विशेषकर समय समय पर प्रदेश के शासन की बागडोर संभालने वाले सभी भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी अपनी सोच के अनुरूप महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरियाणा के गठन के बाद अनेक नेताओं ने राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया। प्रारंभ में पंडित भगवत दयाल शर्मा और राव वीरेंद्र सिंह थोड़े थोड़े समय तक ही हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, परंतु उन्होंने तत्कालीन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया और नए संसाधन जुटाने के प्रयास शुरू किए। चौधरी बंसीलाल ने 1970 के दशक में हर गांव तक सड़क और बिजली पहुंचाने और उठान सिंचाई द्वारा मरु क्षेत्र में भी पानी पहुंचाने का अनोखा काम किया। इसके बाद श्री बनारसी दास गुप्ता ने विकास की गति को आगे बढ़ाया। चौधरी देवीलाल ने राजनीति में लोकराज लोकलाज से चलता है का मूल मंत्र हमें दिया। उन्होंने समाज कल्याण के क्षेत्र में एक नई सोच को मूर्त रूप देते हुए 80 के दशक में हर बुजुर्ग को 100 रुपए प्रति माह वृद्धावस्था सम्मान पेंशन देकर एक नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया। चौधरी भजनलाल के कार्यकाल में भी विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में हरियाणा निरंतर आगे बढ़ा। उन्होंने अपनी बेटी अपना धन जैसी अनूठी योजना को लागू करके कन्या भ्रूण हत्या को सरकारी स्तर पर रोकने का प्रथम प्रयास भी किया। इसके बाद श्री ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा को वैट लागू करने वाला देश का प्रथम प्रदेश बनाया और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया। उनके बाद श्री हुकम सिंह ने राजनीति को सादगी के नए आयाम दिए। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में प्रदेश ने आधारभूत ढांचे तथा खेलों के क्षेत्र में कई उपलब्धियां प्राप्त की। हमने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में कई नई पहल की, जिनसे हरियाणा केरोसिन मुक्त, खुले में शौच मुक्त
और पढ़ी लिखी पंचायतों वाला भारतवर्ष का एकमात्र राज्य बना। हमने ई गवर्नेंस की सहायता से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी की। एक स्वस्थ, सक्षम, समर्थ, सशक्त एवं शिक्षित हरियाणा बनाने की दिशा में कई नए प्रकल्प शुरू किए, जिनके कारगर परिणाम आप सबके सामने आने शुरू हो गए हैं। आज क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 21वें स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से 18वें स्थान पर होते हुए भी हम विकास एवं जन कल्याण के सभी मापदंडों पर देश में अग्रणी स्थान पर हैं। हम 2,26,000 रुपए के स्तर पर प्रति व्यक्ति आय के पैमाने पर देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर हैं। केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में अन्न का योगदान देने में हमारा दूसरा स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हरियाणा उत्तर भारत में पहले स्थान पर और पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। ई वे बिल जारी करने में हम देश में चौथे स्थान पर तथा निर्यात और GST संग्रहण में 5वें स्थान पर हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारे राज्य में आर्थिक विकास तो बहुत हुआ, लेकिन सामाजिक विकास के मापदंडों पर अभी भी हमें बहुत कुछ करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें वरीयता पर किए जाने की आवश्यकता है। कन्या भ्रूण हत्या, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर, बच्चों और महिलाओं का कुपोषण और अनीमिया को कम करने तथा महिला सुरक्षा पर और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। किसानों की आय, शिक्षा व कौशल के स्तर को बढ़ाने एवं जल संचय और पर्यावरण का संरक्षण आदि क्षेत्रों में अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी कृत संकल्प हैं। इस दिशा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन समस्याओं का हल निकालने में आपकी सरकार दिन रात जी तोड़ मेहनत करेगी। इस दिशा में यदि साधनों और संसाधनों की कमी आड़े आएगी तो हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसे भी पूरा करेंगे, परंतु मात्र सरकारी प्रयासों से ही हम सफल हो जाएंगे ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा। इसके लिए हर जन को साथ मिलकर चलना होगा। हमें अपने घर परिवार, आस पड़ोस, मोहल्ले, गांव, वार्ड, कस्बे और शहर में इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी। आम नागरिक को अपने सुझाव सरकार को देने होंगे। सरकारी योजनाओं की निगरानी भी करनी होगी। जहां किसी योजना को लागू करने में कमी दिखे उसे सरकार को ध्यान में लाना। सरकार और जनता के सतत समन्वय से ही हम सामाजिक समस्याओं के असरकारी हल निकाल पाएंगे ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। यहां मैं एक और बुनियादी सत्य आपसे साझा करना चाहूंगा। हम सभी को हर समस्या और हर निदान के हर प्रयास को राजनीतिक लेंसों से देखने की प्रवृत्ति को कम करना चाहिए। हर चीज को अपने क्षेत्र या जाति की चौधर के पैमाने से नहीं नापना चाहिए। यदि चौधर की बात करनी ही है तो हरियाणा प्रदेश की चौधर की बात करें, ताकि हम देश और दुनिया में अपने प्रदेश के नाम को ऊंचा कर सके। हमारा लक्ष्य साफ होना चाहिए, जैसे देश की सीमाओं की सुरक्षा में और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में आज हरियाणा का डंका बजता है, वैसे ही स्वास्थ्य, शिक्षा, युवाओं के कौशल, महिला सुरक्षा, जल संचय और पर्यावरण क्षेत्रों में भी हरियाणा की एक गर्वीली पहचान बननी चाहिए। सभी वर्गों, क्षेत्रों को आगे बढ़ाते हुए एक बात जो सदा हमारे मस्तिष्क पर अंकित रहनी चाहिए वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की अवधारणा, यानी समाज के सबसे गरीब, सबसे वंचित व्यक्ति की चिंता करना। जहां संसाधनों के संपूर्ण सदुपयोग की हम चिंता करें, वहीं यह मानकर चलें कि देश प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार सबसे वंचित, सबसे पिछड़े, सबसे पीछे छूट गए व्यक्ति का होता है। चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। हम इस ब्रह्म वाक्य का अनुसरण करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति और साथ ही हर व्यक्ति की क्षमताओं का भरपूर उपयोग भी हो। भाई और बहनों, आज जल संकट व पर्यावरण प्रदूषण की चिंता न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में होती है। एक सरकार के तौर पर और समाज के तौर पर इससे निपटना हमारा कर्तव्य है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश के विकास का ऐसा मॉडल हो
जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन न हो कि हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ शेष ही न छोड़े। उन्होंने हाल ही में समुद्र के किनारे पड़े प्लास्टिक को बीनते हुए हमारे जीवन से प्लास्टिक को हटाने का एक बड़ा संदेश दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग न करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। प्रधानमंत्री जी ने जल संरक्षण व जल संचय के लिए भी सभी राज्यों में विशेष अभियान चलाने पर बल दिया है। हमने हरियाणा में भी जल ही जीवन है अभियान शुरू किया है। हमने संकल्प लिया है कि जल संचय, जल सिंचन, वर्षा की हर बूंद को रोकने तथा जल संग्रहण के काम में तेजी लाई जाए। हमने पिछले कार्यकाल में प्रदेश के हर घर की रसोई में गैस सिलेंडर देकर उसे धुआं मुक्त किया था। इस बार हर घर में नल से शुद्ध जल उपलब्ध कराएंगे। इसे हम केवल सरकारी ढंग से ही नहीं वरना जन भागीदारी के माध्यम से अत्यंत असरकारी ढंग से भी करेंगे। मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप जल संरक्षण के इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें। इस समय ई गवर्नेंस का हमारा प्रयोग व्यवस्था के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हो रहा है। इस नई व्यवस्था में पारदर्शिता है, ईमानदारी है और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सब योजनाओं का लाभ पहुंचाने की शक्ति है। तकनीकी क्रांति के उपयोग से प्रशासनिक व्यवस्था में बेईमानी, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर बड़ा प्रहार हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में 72,000 युवाओं की मेरिट के आधार पर पारदर्शी ढंग से सरकारी नौकरियों में की गई भर्तियों के कारण प्रदेश में एक नया वातावरण उत्पन्न हुआ है। आज सभी बच्चे और युवा पढ़ाई के प्रति गंभीर हो गए हैं। नौकरी के लिए सिफारिशों की तलाश करने के बजाय परीक्षाओं की तैयारियों के लिए मेहनत करने लगे हैं। इस प्रक्रिया को अविरल रखते हुए अब हम इसे समयबद्ध भी करेंगे। प्यारे प्रदेशवासियों, आने वाले समय में हरियाणा ऐसा राज्य होगा जहां शांति, सद्भावना और आपसी भाईचारे की कड़ियां और मजबूत होंगी। हरियाणा एक, हरियाणवी एक की आदर्श नीति पर चलते हुए हम कार्य करते रहेंगे। चुस्त, जिम्मेदार, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन व्यवस्था दृढ़ता से कायम रहेगी। हम प्रदेश के हर क्षेत्र में समान, व्यापक और चहुमुखी विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम पहले 14वें स्थान से 5वें पर और फिर अब तीसरे स्थान पर पहुंचे हैं। अब इससे भी ऊपर आने का लक्ष्य है, परंतु इससे भी बढ़कर अब हमारा लक्ष्य हरियाणा को ईज ऑफ लिविंग में देश में अग्रणी राज्य बनाने का है। निसंदेह इस मार्ग पर हमारे सामने बाधाएं और समस्याएं आएंगी, परंतु हमें घबराना नहीं है। हम सभी में अपार बल और क्षमता है। इसे जगाने के लिए हमें कवि का यह संदेश याद रखना चाहिए, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। जब हम समस्याओं का समाधान देखते हैं तो टुकड़ों में नहीं सोचना चाहिए। एक बार वाहवाही के लिए हाथ लगाकर छोड़ देना या हर मोड़ पर राजनीतिक नुक्ताचीनी करना, ऐसी बातों से हरियाणा के युवाओं के सपनों को साकार करने में बड़ी बाधा आती है। राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कोरी राजनीति के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए करना है। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। जैसे मैंने पहले कहा, इस संबंध में हमेशा क्षेत्र, जाति, वर्ग के भेदों से ऊपर उठकर और राजनीतिक लेंसों के बिना देश और दुनिया में हरियाणा की चौधर को बढ़ाने का ध्यान करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में राज्य की प्रगति के लिए समर्पित भाव और लगन के साथ काम करते हुए इसे सभी क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने में हरियाणा सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हम प्रबल ऊर्जा से हरियाणा के विकास को ऐसी नई दिशा और गति देंगे जिसमें समाज के हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत् का लक्ष्य सुनिश्चित होगा। हम चाहते हैं कि सरकार और जनता मिलकर साथ साथ चले, मिल बैठकर आगे की रूपरेखा बनाने का यही सही समय है। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए
सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए जनता को साथ लेकर चलेंगे और विकास व कल्याण कार्यों तथा प्रकल्पों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हम इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। चरैवेति चरैवेति। अंत में मैं एक बार फिर आपको हरियाणा दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।